संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर एक्शन हुआ है। हमलावर आरोपियों पर पुलिस ने एक्शन किया है। स्मोक क्रैकर से हमले का गुरुग्राम कनेक्शन। विक्की शर्मा और उनकी पत्नी हिरासत में ली गई हैं। आरोपी नीलम और अमोल इनके घर पर रुके थे। विक्की शर्मा का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। फौजी गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है विक्की उर्फ जंगली। अधिकारी घर में मौजूद बच्ची से पूछताछ कर रहे हैं। गुरुग्राम सेक्टर 7 से दिल्ली पुलिस ने उठाया है। दोनों को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया है। आरोपी से पूछताछ में पुलिस जुटी है। तो संसद पर जो जिस तरीके से आज शख्स कूदे हैं उसमें कहीं ना कहीं चूक जो हुई है और उस चूक में गुरुग्राम का कनेक्शन भी सामने आया है और अब एक्शन इस मामले में लिया है। तो संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर एक्शन लिया गया है। बता दें कि गुरुग्राम से यह कनेक्शन आया है विक्की शर्मा, ये नाम निकलकर सामने आया है और हमलावर पर लगातार पुलिस एक्शन में है। संसद में स्मोक क्रैकर्स के हमले को लेकर अब दिल्ली पुलिस की जांच गुरुग्राम तक पहुंच गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 7 एक्सटेंशन का ये वही मकान है जहां पर विक्की शर्मा रहा करता था और विक्की शर्मा और उसकी पत्नी को अब दिल्ली पुलिस यहां से हिरासत में लेकर चली गई है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी घर के अंदर मौजूद है। सामान की जांच की जा रही है, घर के अंदर तफ्तीश की जा रही है। क्या कोई संदिग्ध वस्तु इस घर में मिलती है ये देखना अहम होगा, क्योंकि जिस तरह से संसद में हमला हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे देश में अब एक माहौल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि दो दिन पहले जो आरोपी थे वो यहाँ पर आए थे और जो हमले की पूरी पटकथा है वो यहीं से ही लिखी गई थी। तो अब दिल्ली पुलिस की जांच में, गुरुग्राम पुलिस की जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं ये देखना अहम रहेगा। लेकिन जब हमने यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत की तो कहीं ना कहीं ये बात सामने निकल कर आई कि जो विक्की शर्मा था उसका रहन सहन ठीक नहीं था, बोलचाल ठीक नहीं थी, आसी पड़ोसियों से उसकी नहीं बना करती थी। और फिलहाल RWA अध्यक्ष जो है वो हमारे साथ हैं। परमार जी, विक्की शर्मा यहाँ पर कब से रहा करते थे और कैसा उनका रहन सहन था, किस तरह से आसी जो पड़ोसी है उनसे बोलचाल थी? पड़ोसियों से तो बिल्कुल इसकी लड़ाई रहती थी हमेशा ही, सबको गाड़ियां देता है, सारा दिन दारू के नशे में रहता है, व्यवहार ठीक नहीं था कॉलोनी में इसका। रह रहा है बहुत सालों, जब से अलॉट हुई कॉलोनी तब से प्लॉट अलॉट हुए तब से रहे। अच्छा, दिल्ली पुलिस जब यहाँ पर पहुंची आपको इस बारे में सूचना मिली? नहीं, इस बारे में मुझे कोई सूचना नहीं। किस तरह से आप यहाँ पर इनसे, क्या आपकी बोलचाल थी, क्या लोग जो है यहाँ पर मौजूद थे स्थानीय निवासी, उन्होंने किस तरह से आपको भी, क्योंकि जब कुछ झगड़ा होता है या नहीं बनती है तो RWA अध्यक्ष को बोला जाता है, क्या ऐसी कंप्लेन आती है? कंप्लेन आती होती है, हमने पुलिस में कंप्लेन करी, पुलिस भी कई बार यहाँ से लेके गई, दारू पे पड़ोसियों ने इसे कंप्लेन करी है, दारू पे बकवास करता है, गालियां देता है सबको, तो इसे कंप्लेन कई बार पुलिस में किया, सेक्टर 9 वाले में कई बार थाने में भी गया। ये अच्छा, काम क्या करता था ये? कुछ किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता क्या करता। और ये कहा जा रहा है कि जो आरोपी है संसद में आज जो हमला हुआ उसके आरोपी जो है वो यहाँ पर आए थे और यहीं पर दो दिन से रह रहे थे, यहीं पर जो पटकथा है वो यहीं पर लिखी गई थी। क्या ऐसी कोई जानकारी की, कुछ ऐसी संदिग्ध चीजें यहाँ पर देखने को मिली हो? वो कुछ नहीं पता, ना पड़ोसियों को पता है, ना हमारे तक कोई बात आई है, ना कोई ऐसे बंदे देखे गए हैं जो अनजान हो, ये तो अभी आप ही लोग कह रहे हैं, हमें तो इस बात की कोई नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से कहना है RWA अध्यक्ष का कि यहाँ पर वो रहा करते थे, लंबे समय से रह रहे थे, लेकिन जो बोलचाल है, जो व्यवहार है वो ठीक नहीं था, कई बार कंप्लेन भी मिली, थाने में भी जो कंप्लेन है वो दी जा चुकी है। हालांकि अब गुरुग्राम पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है और गुरुग्राम पुलिस की तफ्तीश के दौरान ये भी सामने आया है कि जो विक्की है उसका आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है। बहरहाल देखना यही होगा कि दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम पुलिस की जांच में क्या कुछ तथ्य निकल कर सामने आते हैं। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन जयदेव के साथ करण जयसिंह, टोटल न्यूज। तो संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसमें गुरुग्राम कनेक्शन निकलकर सामने आया है। विक्की शर्मा जो नाम निकलकर सामने आ रहा है, बता जा रहा है कि पूरी तरह से प्लानिंग विक्की शर्मा के घर से की गई थी जो कि गुरुग्राम में है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उसके घर की। उसकी पत्नी को भी पुलिस ने नजरबंद किया है और उससे पूछताछ लगातार गुरुग्राम पुलिस के द्वारा की जा रही है।
बताया जा रहा है कि विक्की शर्मा का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। आरोपी नीलम और अमोल इनके घर पर ही रुके थे। अजीत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, सीधे उनका रुख करेंगे। अजीत, सदन में जिस तरीके से कौतूहल का विषय रहा आज, ये जो एक्शन हुआ, जो हमला हुआ और जिस तरीके से कुछ लोग सदन के अंदर घुस गए, उसका गुरुग्राम कनेक्शन सामने आया है, क्या जानकारी है आपके पास और अब तक क्या कुछ निकलकर पुलिसिया पूछताछ में सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, अभी तक जो चार नाम चल रहे थे जिसमें नीरज का नाम चल रहा था, कई ऐसे नाम भी चल रहा था, लेकिन एक नाम जो अभी पांचवा नाम जो सामने आया है वो कहीं ना कहीं पुलिस उसकी तफ्तीश में है और तकरीबन आठ टीमें जो है ललित झा की तलाश में है। ललित झा जो है वो पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि जब ये चार लोग, यानी जो चार, जो दो संसद के बाहर और दो संसद के अंदर थे, इन चारों का जो फोन था वो ललित झा के पास था और जैसे ही दो लोग संसद के अंदर दाखिल होते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनके पास सामान होता है, जो स्मोक होती है जिसको वो जलाते हैं और संसद के अंदर फेंकते हैं, दर्शक दीर्घा से वो कूदकर जहां संसद सांसद बैठे होते हैं वहां पर वो जाते हैं। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि वो जूते के अंदर छिपाकर ले गए थे। वहां पर एजेंसियां तैनात होती हैं, दिल्ली पुलिस समेत छह एजेंसियां तैनात होती हैं और सातवीं जो होती है वो आतंक विरोधी यानी स्वाट टीम जो है वो तैनात होती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इन सातों एजेंसियों को चकमा देकर ये चारों जो है संसद भवन के आसपास किस तरीके से मडराते रहे और इसकी भनक जो है किसी भी एजेंसी को नहीं लगी, क्योंकि ये साफ बताया जा रहा था पहले से ही, 15 दिन पहले से अलर्ट जारी किया गया था कि 13 दिसंबर क्योंकि बरसी है उस दिन और सन 2001 को जो है इसी तरीके का प्रकरण सामने आया था जिसमें अम्बेसडर व्हाइट कलर की गाड़ी से जिसपे सांसद का स्टिकर होता है और किस तरीके से जो पुराना संसद भवन था उसमें जो है हमलावर दाखिल होते हैं और कई हमारे सुरक्षाकर्मी उसमें शहीद होते हैं, ठीक वैसे ही एक बिल्कुल। अजीत, हम आपके पास आएंगे, बीच एसीपी वरुण धैया का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, पहले अपने दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। संबंधित है और वहीं की जांच एजेंसियां जो वहां की पुलिस है वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है। गुड़गांव पुलिस की तरफ से हम ये बताना चाहते हैं कि जितने भी भरसक हमसे मदद हो पाएगी, हमसे जो मदद दिल्ली पुलिस की तरफ से मांगी जाएगी वो हम देंगे और जो मदद जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जितनी भी हम मदद कर सकते हैं वो संबंधित सभी जानकारी और मदद हम दिल्ली पुलिस को देंगे। सर, जो पांचों आरोपी हैं जिनमें एक फरार है, चार को दिल्ली पुलिस ने अभी अरेस्ट किया हुआ है, वो पांचों पहले गुरुग्राम में ही आए, यहां पर मंगलवार रात हुआ है, सुबह यहां से निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्लानिंग है या फिर कहीं एपी सेंटर जो है वो यही था, तो उसको लेकर आपके पास इट्स ऑल अबाउट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, दिल्ली पुलिस इस सभी चीजों के तथ्यों का संज्ञान ले रही है, जिस माध्यम से जैसे भी जो जानकारियां गुड़गांव पुलिस के पास आई हैं हम संबंधित सभी जो जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस को शेयर करेंगे। और जैसे कि बताया जा रहा है कि इस घर में आके उनके पास रुका है, ऑलरेडी डिटेन करा जा चुका है उनको, जो हमारे पास अभी तक सूचना प्राप्त हुई है, और संबंधित तो उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई करी जाएगी उचित कार्रवाई उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस अपने जो भी नियमानुसार करेगी। देखिए अभी क्योंकि हमारे संज्ञान में थोड़ी देर पहले ही सारी बातें आई हैं और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, हमें थोड़ा समय लगेगा सभी जानकारियों को इकट्ठा करने में और जिस प्रकार से जो भी जानकारियां हमारे पास आएगी संबंधित हम आपसे भी शेयर करेंगे और जो न्याय संगत बातें रहेंगी और जितनी भी बातें रहेंगी तथ्यों को देखते हुए सभी हम दिल्ली पुलिस के साथ शेयर करेंगे। सीसीटीवी आपके हाथ लगा है सर? सीसीटीवी हम सारे जितने भी हमारी जानकारी हम जैसे बताया कि हम इकट्ठी कर रहे हैं, हम जितने भी जो एविडेंसेस के बिहाफ पे भी अगर हमारे पास कोई ऐसी जानकारियां आती इकट्ठी करेंगे दिल्ली पुलिस के साथ शेयर करेंगे। सर, कोई मंशा पता लग पाई है कि किस मंशा से उन्होंने? अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, दिल्ली पुलिस ऑलरेडी जैसे बताया है इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मैटर को और जैसी भी जानकारियां जो भी संबंधित हमारे पास आएंगी हम सभी आपके साथ शेयर करेंगे और दिल्ली पुलिस के साथ शेयर करेंगे। अजीत सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, गुरुग्राम के एसीपी वरुण धैया ने साफ तौर पर कहा कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी और पूरी जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन इस बीच अजीत, एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है सदन में, जिस तरीके से ये लोग पहुंचते हैं, तमाम सुरक्षा के जो दावे हैं सरकार के उनको घटा बताकर ये गुरुग्राम से पूरी पटकथा लिखी जाती है और सदन तक पहुंच जाते हैं, बड़ी लापरवाही।
जी हाँ बिल्कुल, देखिए 7 एजेंसियां क्योंकि तैनात होती हैं पार्लियामेंट की सुरक्षा में, जिसमें दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, दिल्ली फायर सर्विस, आईबी, एसपीसी, एनएसजी के जवान शामिल होते हैं, और सातवां जो है स्वैट टीम जो तैनात होती है, वो आतंक विरोधी जो टीम होती है वो तैनात रहती है। ऐसे में कहीं ना कहीं इन सभी एजेंसियों को आखिर कैसे भनक नहीं लगी, क्योंकि 15 दिन पहले से ही इनपुट्स जो है लगातार वो मिल रहे थे, और उसके बाद भी ये दो लोग किस तरीके से, जिसमें मनोरंजन और सागर का नाम सामने आ रहा है, ये किस तरीके से अंदर दाखिल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये सामने आ रही है कि जो मनोरंजन और सागर हैं, हालांकि वो पार्लियामेंट थाने उनको अभी नहीं लाया गया, वो जो है पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी होती है उनके पास जो है, उनकी गिरफ्त में है, और दो जो नीलम और उसके साथ जो अमोल था वो पार्लियामेंट थाने में मौजूद है, और उनसे पूछताछ की जा रही है। इनसे अभी तक ये सामने आया है कि ये सोशल मीडिया के जरिए जो है ये सभी एक दूसरे से जुड़े थे, और फिर ये गुरुग्राम में मिलते हैं, वहां से किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद, क्योंकि दिल्ली के बाहर बैठकर प्लानिंग की जाती है और दिल्ली में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में जो अभी तक इनके जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि पांचों जो आरोपी हैं वो अलग अलग स्टेट के हैं। अगर हम आरोपी सागर की बात करें तो वो लखनऊ का है, मनोरंजन वो कर्नाटक का बताया जा रहा है, और जो ललित जो फिलहाल फरार चल रहा है, जिन इन सभी आरोपियों का जिसके पास स्मार्टफोन था वो पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा है, और नीलम क्योंकि नीलम जो है गुरुग्राम की बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन सभी का आखिर मिलना कैसे हुआ, और क्या इनको कोई ऑपरेट कर रहा था कि ये छह लोग किस तरीके से मिले, क्योंकि छठे का अभी पहचान सामने नहीं आया है, और आरोपी ललित झा जो फिलहाल है उसके लिए 8 टीमें गठित की गई हैं, और 8 टीमें ही ललित झा की जो है तलाश कर रही हैं। ऐसे में हो सकता है क्योंकि 8 टीमें लगी हुई हैं, और दिल्ली में देखना होगा कि आखिरकार जांच के बाद काम करके दिखाया है कि आरोपियों को समय से पहले पकड़ा है, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी इन लोगों को पकड़ लिया जाए। बिल्कुल अजीत, देखना होगा कि अब जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रहें।